ई वेन यू हेल्प योर सेल्फ द यूनिवर्स द यूनिवर्स विल हेल्प यू इवन मोर टूडे इज फोर्थ ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन लेट है क्विक डिस्कशन ऑफ ऑल दीज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रैपिड जी के ये स्टडी क्वेश्चन के आंसर हैं विच वेदांग इज रिलेटेड टू मैट्रिक्स द आंसर इज छंदा कंबाला स्पोर्ट है केरला बफेलो रेस मकर संक्रांति सेलिब्रेट होती है नॉर्थ इंडिया में जब तमिलनाडु साउथ में होता है पोंगल कोनार्क टेम्पल ओडिशा को ब्लैक पगोड़ा भी बोला जाता है लद्दाख का है सिंगे खबाब फेस्टिवल नागालैंड में होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल आज के सवाल है मीर बख्शी मेडिवल इंडिया में मीर बख्शी वॉज द ऑफिसर इन अकबर सरीन विद वॉट रेस्पॉन्सिबिलिटी काम क्या होता था मीर बख्शी का वट वॉज द नेम ऑफ़ द सिल्वर कॉइन ऑफ इलतुतमिश हु क्रिएटेड द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ नियामत ए खुदाई नियामत ए खुदाई अल्हा खान के ऑथर कौन है सेकेंड बैटल हुआ था पानीपत में फोर्ट बिटवीन हेमू एंड विच मुगल किंग विच मुगल रूलर हैड अ चेन ऑफ जस्टिस चेन ऑफ जस्टिस हंग आउटसाइड हिज पैलेस सो दीज आर सिक्स क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वोकेबुलरी है एरूडिशन मतलब बहुत लरनेट है क्वालिटी ऑफ हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज और लर्निंग स्कॉलरशिप मर्की वॉटर्स मतलब डार्क एंड ग्लूमी है स्पेशली ड्यू टू थिक मिस्ट कुछ साफ दिख नहीं रहा है धुंधला कोपियस का मतलब होता है एबोंडेंट इन सप्लाई और क्वांटिटी दैट इज प्रचुर अटरेंस का मतलब होता है कथन स्पोकन वर्ड स्टेटमेंट और वोकल साउंड एडजुडिकेट करना मतलब निर्णय करना मेक अ फॉर्मल जजमेंट और डिसीजन अबाउट अ प्रॉब्लम और डिस्प्यूटेड मैटर सो दीज आर सम वोबुलरी वर्ड्स इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इम्पॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आज के टॉपिक्स हैं आज हम पढ़ेंगे दिस सेंस डेटा टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस दिल्ली फ्लड क्यों हो रही है एवरी मॉनसून विल गेट टू नो आई आई टी दिल्ली के प्रोफेसर का ये इंटरव्यू है देर आर सम वेरी गुड पॉइंट वेस्ट मैनेजमेंट गुरुग्राम सोसाइटीज शो द वे एन जी आर आई प्रपोजेज लैंड स्लेप फ्लड वार्निंग सिस्टम फ्यूचर लीडर्स इन द मेकिंग लॉक्ड इन अ स्टेल मेड इंडिया एंड चाइना एडिटोरियल टेंटेटिव रिकवरी है आई एच एस मार्केट का डेटा फ्लैशिंग लाइट इंडिकेटर्स इकोनॉमी इंडिकेटर्स री इमेजनिंग फूड सिस्टम्स विद लेसन फ्रॉम इंडिया एक्सलेंट आर्टिकल की फूड सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट क्यों हैं देन इस पर हम एक सवाल भी तैयार करेंगे एन एस टू विन विन प्रपोजिशन पीस एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन और हिंदी में एक्स्ट्रा आर्टिकल जो है उसमें आज ये कुछ किताबें हैं एशंट इंडिया की बुक्स एंड ऑथर दीज आर वेरी कॉमनली आज इन डिफरेंट एग्जामिनेशन तो इसका हम एक क्विक रिव्यू लेंगे डिफरेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स सी सेट सोल्यूशन है एंड सर्टन क्वेश्चन सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इंड नेक्स्ट अबाउट थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनटरेंस मटीरियल इज दिस द हिंदू दिस इज इंडियन एक्सप्रेस बोथ आर दिल्ली एडिशन तो ये फ्रंट पेज है द हिंदू का सी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल अभी इलेक्टेड नहीं थे तो सिक्स मंथ तक प्रोविजन होता है कि चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं इवन इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ विधानसभा बेंगाल में वेस्ट बंगाल में केवल विधानसभा है विधान परिषद नहीं है तो छः महीने के अंदर चुनाव जीत के आना पड़ता है बिकॉज़ मैक्सिमम सिक्स मंथ तक ही आप एज अ सी रह सकते हैं विदाउट बिंग इलेक्टेड टू विधानसभा अब चुनाव हुए थे अभी कुछ ही टाइम पहले विधानसभा के तो कुछ सीट्स खाली होती है तो वहाँ पे होता है बायपोल्स तो ऐसे कुछ पोल्स हुए बायपोल्स जहाँ पर चीफ मिनिस्टर ऑफ़ वेस्ट बंगाल ने चुनाव लड़ा और जीता अब नाउ शी कैन कंटिन्यू एज़ चीफ मिनिस्टर ऑफ़ वेस्ट बंगाल दीज आर बायपोल्स और क्वालिफिकेशन क्या होती है टू बी अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट सिमिलर इज द केस विद प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं जरूरी नहीं आप लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हो छह महीने के अंदर बट आपको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा सो दिस इज दिस ना दिस इज अबाउट नो इन्फो ऑन टू थाउजेंड एटीन प्लान टू कलेक्ट ओ बी सी डेटा तो आर टी आई रिप्लाई में यह बोला है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने कि डेलिबरेशन एंड फाइल नोटिंग रिगार्डिंग द सेंटर्स अनाउंसमेंट ऑन 2018 थाउजेंड एटीन टू कलेक्ट डेटा ऑन ओ बी सी एज पार्ट ऑफ सेंसस टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इज नॉट अवेलेबल विद इट मुद्दा क्या है ये दो हजार ग्यारह में सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ इसकी रिपोर्ट अभी तक कॉन्क्रीट रिपोर्ट रिलीज नहीं हुई है रीजन ये है कि जो डेटा है वो करेक्ट नहीं है ऐसा गवर्नमेंट ने बोला तो रॉन्ग डेटा मतलब रॉन्ग पॉलिसी फॉर्मूलेशन दैट इज़ वाई ये जो डेटा है रिलीज नहीं हुआ अब 2018 में डिमांड हुआ था कि 2021 का जो सेंसस है 10-10 साल में होता है तो यहाँ भी आप फिर से कास्ट डेटा कलेक्ट करें बट अगेन गवर्नमेंट ने बोला कि जो सेंसस के मैंडेट है 10 साल में जो इन्फॉर्मेशन लेना है वो फिर डाइवर्ट हो जाएगा तो गवर्नमेंट ने ये बोला डेटा इज रिक्वायर्ड बट डेटा ऑथेंटिसिटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड सो फॉर नाउ 2021 में ऐसे सेंसस कास्ट बेस्ड सेंसस का अभी दिस प्रोविजन नहीं दिख रहा है वर कास्ट आर टी आई रिप्लाई ने कहा देन गेमिंग डिसऑर्डर इंक्रीज हुआ है ड्यूरिंग पैंडमिक ये न्यूज इम्पॉर्टेंट है वाई दिल्ली रोड्स गेट फ्लडेड एवरी मानसून हर मानसून आते ही ना दिल्ली के ऐसे नज़ारे होते हैं क्यों प्रोफेसर एमरिटस आई आई टी दिल्ली है इन्होंने बताया कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो भी जो हम हमेशा ही बात करते हैं कि इनकम इज ग्रेटर दैन आउट गोइंग पानी तो बहुत आ गया बट ड्रेनेज अगर ब्लॉक हो जाता है क्यों ब्लॉक हो जाता है बिकॉज ऑफ स्लोप या फिर जो ड्रेनेज पाथ है वो आपने ब्लॉक कर दिया इलीगल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हुआ एनक्रोचमेंट हो गया फ्लड प्लेन्स में लेक्स वगैरह हैं वो आपने डिस्ट्रॉय कर दी क्योंकि लेक्स वर्क करती है एज अ बफर तो फिर फ्लड होने लग जाता है शहर तो ड्रेनेज मास्टर प्लान ज़रूरी है इफ इम्पलीमेंटेड कूड हैव ऑफर्ड अ लास्टिंग सोल्यूशन तो परमानेंट सोल्यूशन तब निकलेगा जब हम एक ड्रेनेज सिस्टम करेक्ट करेंगे पानी बाहर निकले बिकॉज दिल्ली है ना वो जो जोग्राफिकली ब्लस्ड है दिल्ली काफ़ी एलिवेशन पे है पास में ही यमुना बह रही है सारा स्लोप इधर है तो वैसे दिल्ली में फ्लड नहीं आना चाहिए बट फ्लड आता है बिकॉज यमुना या तो ओवरफ्लो कर जाती है या फिर रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये दो रीज़न है जिससे फ्लड आता है बट ये तो नेचुरल रीज़न है कुछ टाइम में फ्लड्स वर्जन हुए बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ रन ऑफ वाटर है वाटर लेफ्ट ऑफ ऑफ बींग एब्जॉर्ब बाय द अर्थ फ्रॉम लोकल रेनफॉल तो पानी गिरा कुछ पानी एब्जॉर्ब अर्थ कर लेती है बाकी ऐसे रन ऑफ होता है पानी बहता हुआ जाएगा तो अगर पानी के रास्ते में ब्लॉक नहीं होगा तो वो सीधा बहता हुआ यमुना में जाएगा और रिवर उसको आगे ले जाएगी फ्लड नहीं होगा अब बीच के जो रास्ते हैं उसको कर दिए गए हैं ब्लॉक बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी और फिर होता है दिस दिस फ्लडिंग तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि हम फ्लड्स अगर करेक्ट करना है तो ड्रेनेज पैटर्न को फिक्स करना ज़रूरी है दैली रोड्स गेट फ्लडेड एवरी मॉनसून ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ रीज़न जैसे सीवेज है सीवेज फ्लोइंग इन स्टॉम वाटर ड्रेन जो सीवेज लाइन है कई बार वो भी चोक हो जाती है तो उससे पानी बहना बंद हो जाता है इट डज़ नॉट प्रॉपरली ड्रेन इन टू यमुना तो ड्रेन नहीं हो रहा है और इससे अर्बन फ्लडिंग हो रही है टोपोग्राफी वैसे दिल्ली की ब्लेस्ड है एलिवेटेड है एडवांटेज है तो नेचुरली दिल्ली को जैसे मुंबई के साथ प्रॉब्लम है तो मुंबई की तो जेन्यून प्रॉब्लम है कि मुंबई में तो सी सी भी है और उसका हाइट भी नहीं है तो फ्लड तो होना है मुंबई में बट दिल्ली में फ्लड नहीं होना चाहिए था तो दिस इज दिस सॉल्यूशन क्या होता है हम एग्जिस्टिंग ड्रेनेज जो है उसको फिक्स करें डायवर्ट करें वाटर को लोकल वाटर बॉडीज़ में ये एज अ बफर काम करेगी लेक्स वगैरह एडिशनल स्टोरेज कैपेसिटी बनाएं और डेवलपमेंट वर्क करें ये कुछ तीन चार पॉइंट्स हैं अच्छे हैं तो दिल्ली में फ्लड क्यों होता है दिस इज़ द दीज आर द रीज़न्स और दिस कुड बी द सॉल्यूशन एक और प्रॉब्लम है नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ इंडिया में इवन हर शहर में वो है वेस्ट मैनेजमेंट तो गुड़गांव की सोसाइटी ने एक तरीका बताया ये लोग क्या कर रहे हैं वेस्ट जो भी मैनेजमेंट होता है ना वो हमेशा जहाँ वेस्ट जनरेट हो रहा है वहीं से चालू हो जाना चाहिए जैसे जिस घर से वेस्ट आ रहा है तो गीला कप गीला कचरा सूखा कचरा या फिर मेडिकल वेस्ट इसको सेग्रीगेट करो अलग अलग डब्बों में ब्लू डब्बा ग्रीन डब्बा लाइक दैट ताकि वो वेस्ट का रिसाइकिलिंग ईजी हो जाए तो वेस्ट सेग्रीगेशन एट द सोर्स ऑफ वेस्ट जनरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट तो वही गुरुग्राम की सोसाइटीज़ ने किया है कि ये वेस्ट को रिसाइकिल कर रहे हैं वेस्ट अगर बायोडिग्रेडेबल है तो उससे कॉम्पोस्ट बनाओ तो रेसिडेंट इंश्योर कर रहे हैं कि वेस्ट ना लैंडफिल में ही जाए ही नहीं जिससे कचरे के पहाड़ जो बन गए वहाँ तक नहीं जाए वेस्ट रिडक्शन करना ज़रूरी है कि कम हम वेस्टेज क्रिएट करें आगे हम एक आर्टिकल देखेंगे फूड वेस्टेज भी कम करना ज़रूरी है सेग्रीगेशन करना ज़रूरी है मतलब कैटेगरी ऑफ वेस्ट को सेपरेट करो री करो जहाँ तक पॉसिबल हो और ग्रास रूट सोल्यूशन फाइंड करो तो ये बड़ा अच्छा सवाल है अर्बन फ्लडिंग एंड अर्बन वेस्ट अर्बन फ्लडिंग अर्बन वेस्ट दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं ऑलमोस्ट एवरी बिग सिटी ऑफ इंडिया की डिस्कस द ग्रेविटी ऑफ दिस क्राइसिस अभी कोविड हुआ तो वैसे ही अर्बन माइग्रेशन अर्बन पे प्रेशर ये बड़े न्यूज में था तो ग्रेविटी ऑफ दिस क्राइसिस की सिटीज़ को लिवेबल कैसे बनाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी आप लिंक करो डिस्कस द ग्रेविटी ऑफ दिस क्राइसिस एंड सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड और एक वे फॉरवर्ड भी सोचो ये जो सवाल है ना इस पर आप सोचा करो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से सोचो सिलेबस का हर की वर्ड आपको याद है सोचो उस की वर्ड से ये कैसे कनेक्ट होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से कैसे होगा लाइक दैट थिंक ग्रेविटी बताना है पहले आपको कि ये कितना सीरियस क्राइसिस है फ्लडिंग और वेस्ट उसके बाद एक सॉल्यूशन बताना है तो तीन पार्ट में लिखिए अर्बन फ्लडिंग क्या होती है टेल अर्बन वेस्ट क्या होता है टेल ये हो गया पहला पार्ट हर प्रॉब्लम हर शहर की प्रॉब्लम है ये फर्स्ट पार्ट दूसरा बताइए कि ग्रेविटी ऑफ दिस क्राइसिस क्या है ये क्या हुआ सेकेंड पार्ट तीसरा पार्ट बताइए एक वे फॉरवर्ड और वे फॉरवर्ड में भी सॉल्यूशन बताइए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन गवर्नेंस सॉल्यूशन सोसाइटी का सॉल्यूशन या फिर अदर आर एन डी इनोवेटिव कुछ बता सकते हैं थिंक सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड दिस इज एनजीआरआई जी प्रपोजेज ए लैंड फ्लड वार्निंग सिस्टम डिज़ास्टर्स जब भी होते हैं ना तो डिज़ास्टर में अगर थोड़ा भी लीड टाइम मिल जाए जैसे भूकंप आने वाला है अगर आपको 10 मिनट पहले भी पता चल जाए भूकंप आने वाला है तो मोस्ट ऑफ द पीपल एटलीस्ट एक सेफ प्लेस में चले जाएंगे तो एटलीस्ट लाइफ लॉस तो हम स्टॉप कर लेंगे तो लैंड स्लिप फ्लड होता है उधर वार्निंग सिस्टम के लिए हमें मैकेनिज़म बनाना ज़रूरी है अभी जैसे चामोली उत्तराखंड में डिजास्टर हुआ था बहुत अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स हमने देखे थे हॉरर विजुअल्स थे स्टीप ग्लेशियर था नंदा देवी पीक का गढ़वाल हिमालय में तो ये जो ग्लेशियर था वैसे ही ग्लोबल क्लाइमेट वार्मिंग हो रही है ये ग्लेशियर टूटा टूटने से ऐसे फ्लड लाइक सिचुएशन बनी मेजर एवलांच आया फ्लैश फ्लड आया तुरंत बहुत सारा पानी निकल के आया ऋषि गंगा अलकनंदा में और डैम्स भी इसने जो अंडर कंस्ट्रक्शन डैम्स थे वो भी वाइप आउट हो गए तो ऐसी चीज़ों में अगर हमारे पास थोड़ा लीड टाइम मिल जाए नेचुरल डिज़ास्टर के लिए हम ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते ह्यूमन कैपेसिटी नहीं है बट अगर हमें कुछ लीड टाइम मिल जाए कि दो तीन घंटे की वार्निंग मिल गई या फिर सैटेलाइट के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाते कि ये ग्लेशियर टूटने वाला है नो वन और टू वीक का टाइम मिल जाता हमें तो हम डैमेज कंट्रोल इजीली कर सकते थे तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सी एस आई आर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एन ने लॉन्च किया है एनवायरमेंट सेसमोलॉजी ग्रुप एनवायरमेंट सेसमोलॉजी ये डेवलप करेगा लैंडस्लाइड एंड फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम तो ये मैपिंग भी करेगा अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा कहाँ लैंडस्लाइड हो रही है फ्लड आ रहा है तो एक टाइम मिल जाएगा लोगों को अपनी जान बचाने का एस्पेशली ज़रूरी है हिमालयन रीजन में रियल टाइम मॉनिटरिंग होगा डेंस सेसेमोलॉजिकल नेटवर्क डेवलप करेंगे सैटेलाइट का यूज़ करेंगे और मॉडलिंग और एनालिसिस तो कंप्यूटर्स एआई टूल्स एवरी टेक्नोलॉजी वी आर गोइंग टू यूज़ सो दैट वी गेट सम टाइम तो जब भी आप जैसे डिजास्टर के सवाल लिखते हो ना तो एक पॉइंट वहाँ पे ज़रूर होना चाहिए अर्ली वार्निंग सिस्टम चाहे वो सुनामी हो और दूसरा पॉइंट होता है हेज़ार्ड का मैपिंग मैपिंग डिजास्टर मैपिंग मैपिंग होती है तो उससे जो रेस्क्यू वर्क है वो ईजी हो जाता है सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हम बेटर फॉलो कर सकते हैं तो दिस इज़ दिस फ्यूचर लीडर्स इन द मेकिंग जनरेशन जो होती है स्पेशली जो युवा सॉलिड फाउंडेशन डालना जरूरी है तो ये एक युवा सोसाइटी है प्रिपेयर कर रही है यंग पीपल ट्रांजिशन एजुकेशन से रियल लाइफ लर्निंग में प्रोडक्टिव वर्क और एक्टिव सिटीजनशिप में लीडर्स इन द मेकिंग लीडर्स इन द मेकिंग ये वेस्ट मैनेजमेंट था दिस इज़ फ्लड वार्निंग एजुकेशन में है फ्यूचर लीडर्स इन द मेकिंग और इसका भी जैसे गवर्नमेंट भी प्लान कर रही है ना कि जैसे हैकाथॉन्स होते हैं हैकाथॉन्स में क्या होता है प्राइमरली कि एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को यंग पीपल को दिया जाता है अब बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा दिमाग लगाओ तो इससे उनका दिमाग भी चलता है उनको समझ में आता है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है लाइक like दैट और यंग माइंड है तो कुछ इनोवेटिव थाट्स भी आते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी आती है तो दिस इज़ गुड फ्यूचर लीडर्स इन द मेकिंग लॉक इन अ स्टेलमेट स्टेलमेट मतलब लॉक हो गया है कुछ प्रोग्रेस हो नहीं रही है स्टेलमेट जैसी सिचुएशन है ये सिचुएशन है एल में लद्दाख स्टेलमेट हो गया है मतलब एक वॉर में स्टेलमेट हो गया है प्रोग्रेस नहीं हो रही है कुछ नहीं जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये जो लाइन हो गई थी जर्मन और फ्रांस के बीच में स्टेलमेट जैसी सिचुएशन आ गई थी इंडिया चाइना नीड टू री स्टोर नॉर्मलसी अलॉन्ग द बॉर्डर बिफोर कोऑपरेशन ऑन अदर इशूज़ तो कल हमने मैप भी देखा चाइना एक बड़ा इंपॉर्टेंट नेबर है हमारा इसके साथ ट्रेड के रिलेशन्स भी हैं लॉन्ग बॉर्डर भी शेयर करते हैं चाइना वैसे एक एशियन सिविलाइजेशन भी है सो द पॉइंट इज कोऑपरेशन का स्कोप भी है बट बॉर्डर इश्यूज हो जाते हैं तो चाइनीज एनवॉय ने कहा सन वीडोंग ने कि बोथ कंट्रीज़ के लिए प्लेस द बॉर्डर इशू इन एन अप्रोप्रिएट पोजिशन एंड सैड इट इज़ नॉट द होल स्टोरी ऑफ बायोलिट्रल रिलेशंस चाइना का ये है मन की बॉर्डर इशू है तो रहने दो बाकी सब कामों पर एज़ यूजल स्टेटस को वो मेनटेन रखते हैं बॉर्डर इशू जब सॉल्व होगा होना होगा तब होगा तो ये चाइना की थाट प्रोसेस है बट ये गलत भी है बिकॉज एक तरफ तो आपकी आर्म फोर्सेस लॉकड हैं यहाँ पे है ना और वॉर जैसी सिचुएशन हो रही है दूसरी जगह आप बोलते हो कि ट्रेड एज इट इज़ रहना चाहिए पीपल टू पीपल इंटरेक्शन एज इट इज़ होना चाहिए हॉस्टिलिटी किसी दूसरे स्फीयर में ट्रांसक्राइब्ड नहीं होना चाहिए तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जो भी डिफरेंसेस हैं पहले उसका सॉल्यूशन करना भी पहले नहीं तो साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन करना ज़रूरी है हर चीज़ हम बाद के लिए नहीं डाल सकते तो इंडिया के जो काउंटर पार्ट है विक्रम मिस्त्री उन्होंने कहा चाइनीज साइड शिफ्ट करती है गोल पोस्ट चाइना क्या करता है आज ये बहुत बात बोली कल फिर दूसरी बात बोलेगा तो फ्लेक्सिबिलिटी रखता है वो एक स्टैंड नहीं लेता है और उसके कारण जो बॉर्डर इशू है वो सॉल्व नहीं होता थ्री डेकेट्स हो गए हैं बॉर्डर एरिया पीसफुली हो रही थी गलवान क्राइसिस के बाद फिर से यहाँ डिस्टर्बेंसेज आने लग गए और इट कैन नॉट बी दैट ओनली वन साइड आर ऑफ रेलिवेंस ताली दोनों हाथ से बचती है तो चाइना को ही प्रॉब्लम है ऐसा नहीं है इंडिया को भी प्रॉब्लम है कि चाइना यहाँ एग्रेशन दिखा रहा है एनक्रोचमेंट कर रहा है हमारे एरिया में फिर एनक्रोचमेंट के बाद स्टेटस को वह एंटी की बात करता है तो फेट एक्म्पली की बात करता है तो दिस इज़ नॉट राइट सेफ गार्डिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नेशनल सिक्योरिटी हमारे लिए भी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों कंट्रीज़ के लिए दोनों इसको वैल्यू करती है तो सॉल्यूशन फाइंड करना जरूरी है अदरवाइज ये स्टेलमेट जैसी सिचुएशन बनी रहेगी नॉर्मल सी तभी आएगी जब बॉर्डर इशू सॉल्व होगा देन टेंटेटिव रिकवरी करंट क्वार्टर था उसमें थोड़ा ब्राइट साइंस दिखे हैं इकोनॉमिक रिकवरी के बट अब जो आया ना अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये फेस्टिव सीज़न भी है ये मेक एंड मेक या ब्रेक सेशन होने वाला है क्वार्टर कि इकोनॉमिक रिकवरी कितना क्विकली हमारी फास्ट ट्रैक पर आएगी अगेन डेटा आएच एस मार्केट का है हर मंथ के स्टार्टिंग में देखते हैं अपन परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स मतलब जो फर्म्स हैं उसके परचेजिंग मैनेजर से पूछा जाता है आप एक्सपेंशन कर रहे हो ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद रहे हो सर्विसेज ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हो उसके बेसिस पे डेटा बनता है 50 प्लस है मतलब एक्सपेंडिंग 50 कम है मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग तो इसको परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स बोलते हैं आई मार्केट करता है मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर दोनों में रिकवरी के साइंस है बट क्या ये टेंजिबल है कंज्यूमर स्पेंडिंग डेफिनेटली डिप हुई है लोग पैसे खर्च नहीं करना चाह रहे बिकॉज अनसर्टेनिटी बनी हुई है आर का लेटेस्ट मंथली बुलेटिन भी अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था तो ये कहा था फ्लैशिंग लाइट है इन्फ्लेशन का थ्रेट है बट इकोनॉमिक रिकवरी भी दिख रही है ग्रीन शूट्स हैं शार्प बैकस्लाइड हुआ है इकोनॉमिक मोमेंटम में सेकेंड कोविड वेव के कारण डिमांड शॉक आया अब इकोनॉमी डोलड्रम्स में भी नज़र आई थी मोबिलिटी कम हो गई लॉकडाउन के कारण डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग हो गई लोग खर्चा करने को टाल रहे हैं कि हम कल करेंगे पोस्टपोन कर रहे हैं बिकॉज अभी अनसर्टेनिटी है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है जी एस टी ई वे बिल बढ़ा है हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर भी श्रेंक हुआ है तो फटीक जो है ना इकोनॉमी में वो रियल है ऑटोमोबाइल सेक्टर और एयर ट्रैवल ट्रैफिक भी डिप हुआ था तो पिछले फर्स्ट वेव में इतना डैमेज नहीं हुआ था रूरल इकॉनमी में बट सेकेंड वेव में रूरल इकॉनॉमी भी हिट हुई है जैसे कि टू व्हीलर और ट्रैक्टर का सेल हिट हुआ है बेसिकली ये सारे ना इंडिकेटर्स होते हैं इंडिकेटर मतलब आपको एक्चुअल इकोनॉमी का स्टेटस देखना है तो आप इन इंडिकेटर्स को देखो कि ट्रैक्टर कितने बिके टू व्हीलर कितना बिका पेट्रोल कितना बिक रहा है जीएसटी एस ई वे बिल कितना बन रहा है तो इनको अगर आप गेज करोगे ना तो इकोनॉमी की कंडीशन पता चल जाती है सो दीज आर इंडिकेटर्स तो अभी टेंटेटिव रिकवरी है फुल फ्लेज रिकवरी नहीं है टाइम लगेगा इसमें लेट अस सी ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है री इमेजिनिंग फूड सिस्टम विद लेसन फ्रॉम इंडिया फूड जो है ना बहुत एसेंशियल चीज है फूड बेसिक नीड है फूड तो फूड के लिए श्योरिटी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सत्रह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और सत्रह में से जो ग्यारह है ना वो लिंक्ड है विद फूड फूड अच्छा होगा तो ये ग्यारह भी अच्छे हो जाएंगे इंडिकेटर्स गोल्स डेवलपमेंट गोल्स तो फूड सेफ्टी सिक्योरिटी इज पैरामाउंट प्रोडक्शन से प्लेट तक लाना है नोट डाउन दिस की प्रोडक्शन टू प्लेट अब जैसे यही स्टाइल होती है आंसर लिख रहे हैं कहीं एक सब हेडिंग डाल दीजिए प्रोडक्शन टू प्लेट फूड सिक्योरिटी में जरूरी है वेरी गुड तो सिस्टम ओवरहॉल करना जरूरी है सिस्टम ओवरहॉल। वी नीड टू बिल्ड बैक बेटर अभी जैसे फर्स्ट यू एन एफ एस एस समिट हुआ था यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट 2021 सितंबर में हुआ था अभी इसने क्या बोला बॉटम अप अप्रोच रखे हम 2019 यूएन जनरल सेक्रेटरी एंटेनियो गुटेरस ने भी कहा था कैटालाइज करें मोमेंटम टू ट्रांसफॉर्म द वे फूड प्रोड्यूस वर्ल्ड का प्रोडक्शन कैसे होता है फूड का कंजम्पशन कैसे होता है फूड जो हंगर है वहाँ पे वहाँ तक हम उस फूड को पहुँचाएं बिकॉज़ फ़ूड वेस्टेज भी बहुत होता है तो प्रोडक्शन से लेके प्लेट तक इस पूरी प्रोसेस को ओवरहॉल करें दिस इज इम्पॉर्टेंट इसके कुछ चार पॉइंट्स हैं एंश्योर एक्सेस करें सेफ़ एंड न्यूट्रिशियस फूड फॉर ऑल नोट डाउन दिस लाइन एंश्योर करें सेफ़ एंड न्यूट्रिशियस फूड फॉर ऑल शिफ्ट टू सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न बूस्ट नेचर पॉजिटिव प्रोडक्शन एडवांस इक्विटेबल लाइवलीहुड बिल्ड रिजायलेंस टू वल्नरेबिलिटी शॉक्स एंड स्ट्रेस कितना क्रिस्प राइटिंग है डेवलप दिस हैबिट कि ऐसे लिखना है हमें टू द पॉइंट जब लिखना होता है ना पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट पांचवा पॉइंट इन पांच पॉइंट में कितनी सारी चीज़ें कवर कर ली सेफ और न्यूट्रिशियस फूड दो सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न भी हमें एड्रेस करना है पॉजिटिव प्रोडक्शन करें मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है वो नेचर पे बर्डन नहीं पड़े नेचर फ्रेंडली हो जब जबकि जैसे राइस पैडी कल्टीवेशन होता है पंजाब बिहार में पंजाब वेस्टर्न यूपी में तो इससे क्या होता है सॉल्ट पैन बन रहे हैं ग्राउंड वाटर लेवल कम हो रहा है तो पॉजिटिव प्रोडक्शन हो इक्विटेबल लाइवलीहुड हो लाइवलीहुड जनरेट हो रिजाइलेंस भी हो कि शॉक हो गया स्ट्रेस आ गया वलनरेबिलिटी हो गई साइक्लोन्स आ गए सूखा पड़ गया वॉट एवर रिजाइलेंट एग्रीकल्चर होना ज़रूरी है मतलब वो बहुत जल्दी इंपैक्ट नहीं हुआ एग्रीकल्चर वेरी गुड पॉइंट्स ये पांच के पांच नोटेड डाउन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अभी नोबेल प्राइज़ मिला इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ये सब बॉडीज अभी इस प्रोग्राम में फूड एंडश्योरिटी के लिए वर्क कर रही थी फूड प्रोडक्शन में क्वालिटी भी चाहिए और क्वांटिटी भी चाहिए अब सी कुछ और रिफॉर्म्स बताने दीज आर वेरी गुड कीवर्ड्स लैंड रिफॉर्म करिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट करिए इंस्टीट्यूशनल इंफ्रा करिए ये जो वेयर हाउस होते हैं क्या ये स्टेटस मिला है इन्हें वेयर हाउसेज जहाँ पे गोदाउन वगैरह वेयर हाउसेस कोल्ड स्टोरेज लाइक दैट तो इंस्टीट्यूशनल इंफ्रा करिए रेगुलेटरी सिस्टम रखिए पब्लिक सपोर्ट मिले एग्री मार्केट में इंटरवेंशन हो जब ज़रूरी हो एग्री रिसर्च एंड एक्सटेंशन भी हो तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है पोषण अभियान अभी कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा पोषण अभियान में अब मिड डे मील स्कीम और जो नर्सरी वाले हैं उनको भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा पोषण अभियान सेप्टेम्बर वैसे भी पोषण माह कहलाता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 भी आया टीपीडीएस भी है वन नेशन वन राशन कार्ड भी ला रहे हैं मिड डे मील स्कीम है और आईसीडीएस है ये कुछ प्रोग्राम्स हो गए राइट डाउन दीज नेम्स तो बीच बीच में आप आंसर लिखते हो ना ऐसे कीवर्ड्स लिख दिया करो वहाँ पे टी एमडीएम आईसीडीएस नाम के साथ दिस मतलब फूड सिक्योरिटी आप टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो आंसर लिख रहे हो तो आपको ये प्रोग्राम्स भी पता है पोषण टीपीडीएस एमडीएम आईसीडीएस ओके अब जो 1991 से 2001 का टाइम था उसमें डाइवर्सिफाई किया एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है अलाइड इनकम ब्रॉड ग्रेटर फोकस ऑन हॉर्टिकल्चर डेयरी एनिमल हजबेंड्री फिशरी सेक्टर लर्निंग एंड कम्पाज एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशनल हेल्थ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हो सस्टेनेबिलिटी हो डिप्लॉयमेंट हो स्पेस टेक्नोलॉजी हो एंड द लाइक अब ये सब क्या है फिलर की कहलाते हैं ये तो ये की भी आने चाहिए ये सारे जो अच्छे अच्छे की वर्ड्स हैं नोट डाउट आई पी रिपोर्ट हम हर जगह यूज़ कर लेते हैं जहाँ क्लाइमेट चेंज कुछ बोलना है आई रिपोर्ट ने भी रेड फ्लैग किया है कि क्लाइमेट चेंज के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी हिट हो सकता है दूसरी चीज़ प्रोडक्शन पे तो ध्यान देना है वेस्टेज को भी कम करना है तो रिड्यूस करें फूड वेस्टेज ये नेसेसरी है अब इसकी लैंग्वेज इतनी अच्छी है इस पूरे आर्टिकल की फॉर दिस एसे फॉर इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी बड़ी अच्छी लाइन है वी आर ऑन द कस अ ट्रांसफॉर्मेशन टू मेक द वर्ल्ड फ्री हंगर बाय टू हम बस वर्ज पे हैं कि हम ट्रांसफॉर्म हो और वर्ल्ड दो तक हंगर फ्री हो जाए हम डिलीवर करें जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के प्रोमिस किए हैं कोऑपरेशन और पार्टनरशिप हो किसके बीच में गवर्नमेंट सिटीजन सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर वेरी गुड लाइन कोलेबोरेट करें इन्वेस्ट करें इनोवेट करें क्रिएट करें लास्टिंग सोल्यूशन सस्टेनेबिलिटी इज द की वर्ड इक्विटेबल इक्विटेबल लाइवलीहुड हो फूड सिक्योरिटी हो और न्यूट्रिशन हो अब इसमें इंडिया हैज़ सो मच टू ऑफर हमारे पास एक तो इतनी जनसंख्या है और प्लस हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा रहा है कुछ ही टाइम पहले हम शिप टू माउथ कंट्री कहलाते थे कि हम सब फूड इम्पोर्ट करते थे वो फिर सीधा हमारे शिप टू माउथ बट हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया सस्टेनेबल बने तो इंडिया हैज़ सो मच टू ऑफर लर्निंग हो नेक्स्ट ट्वेंटी टू थर्टी ईयर के लिए हमें प्रिपेयर करना होगा और इसी को तो प्लानिंग बोलते हैं जैसे हम एक्टिविटीज़ देखते हैं ना प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी क्यूनरी क्वार्टरनरी, तो जो प्लानिंग है वो इस एक्टिविटी को प्रॉपर साउंड प्लानिंग करनी है अगले 20 से 30 साल के लिए फूड सिस्टम को री इमेजिन करें सस्टेनेबल करें मिटिगेट करें क्लाइमेट चेंज हेल्दी सेफ क्वालिटी अफोर्डेबल फूड करें एक और की है बायोडाइवर्सिटी रिजाइलेंस इनकम बढ़ाएं फार्मर इनकम भी डबल करनी है इन्वेस्टमेंट करें एनवायरनमेंट का ध्यान रखें गोल अचीव करें एडवांसिंग इक्विटेबल लाइवलीहुड का फूड सिस्टम को भी हम स्मॉल एंड मीडियम स्केल प्रोडक्शन फैमिली फार्मर इंडिजीनस पीपल विमेन वर्कर फूड वैल्यू चेन इसके आसपास रिवॉल्व करें वेरी गुड लाइन ओके नोट डाउन दिस तो ये जो आर्टिकल है ये बहुत अच्छा आर्टिकल है फॉर एस एंड ऑल बड़े अच्छे फोर्डर पॉइंट्स हैं दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ रीडिंग न्यूज़ पेपर आप एक न्यूज़ पेपर बस पढ़ लो अच्छे से आपको और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है न्यूज़ पेपर अच्छे से पढ़ना है राइटिंग लैंग्वेज प्रोफिशंसी अच्छे से रखनी है और जो स्टैटिक पार्ट है वो एक बार पढ़ना पड़ेगा स्टैटिक पार्ट ऑफ सिलेबस दैट्स ऑल ऑप्शनल पर वर्क करिए ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं यू कैन टॉप दिस एग्जामिनेशन बाय डूइंग दीज सिंपल सिंपल थिंग्स और चीज़ें आसान होती है ना तो उसको रोज करना आसान होता है आप बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हो चीज़ों को गोल्स बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सेट कर देते हो वो अचीव होने नहीं है एक दिन पढ़ लोगे दो दिन पढ़ लोगे तीसरे दिन वो नहीं हो पाएगा तो दैट इज़ वाई अगर आपको रोज पढ़ना है तो चीज़ें आसान रखो सिंपल रखो उन्हें और एवरी डे लर्निंग इज़ बेटर देन बिंज करें हम लास्ट लास्ट में ओके एवरी डे बेटर रहता है थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना है हमें अब जैसे ये आंसर है आप इसको लिख के बताओ फूड इज़ पीस ये कैच फ्रेज है ऑफ़न यूज टू हाईलाइट हाउ हंगर एंड कॉन्फ्लिक्ट फीड ऑन ईच अदर हंगर और कॉन्फ्लिक्ट फीड ऑन ईच अदर आप देखना जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना वर्ल्ड में वहाँ पे कहीं ना कहीं फ़ूड शॉर्टेज हुआ हंगर के इश्यूज़ आए डिस्ट्रेस आया इकोनॉमिक टर्मोइल आया और उसी के कारण कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ये दोनों न एक साथ चलते हैं एक दूसरे को फीड करते हैं और एक विशेष साइकिल चालू हो जाता है हंगर से कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट से हंगर लाइक like दैट टेकिंग दिस स्टेटमेंट इन टू कंसिडरेशन डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरिंग फूड सेफ्टी तो अब इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आप बताओ कि फूड सेफ्टी क्यों इतना ज़रूरी है फूड सेफ्टी जैसे हम ह्यूम है ना ह्यूमन इतना डेवलप ग्रोथ प्रॉस्पर क्यों हुआ बिकॉज वन फाइन डे हमने एग्रीकल्चर सीख लिया एक एग्रीकल्चर सीखने के कारण ही हमको रोज सोचना नहीं पड़ता है आज क्या कहेंगे कल क्या कहेंगे एक महीने बाद क्या कहेंगे हमने उसका व्यवस्था कर ली है बट टाइगर लायन ये इतने स्ट्रांग होते हैं बट इनका मोस्ट ऑफ द टाइम इसी में निकल जाता है कि आज शाम को क्या करना है हंटिंग प्रे एट्सेट्रा तो उनकी प्रोग्रेस नहीं हो पाई तो हे विज रीडिंग वन वो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन जो इतना प्रोग्रेस हुआ है इट्स ओनली ऑन एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे मिली हमें फ़ूड सेफ्टी फूड सेफ्टी और इसको अभी हमें ओवरऑल करना ज़रूरी है फूड सेफ्टी एन एस टू अन विन प्रपोजिशन ये नॉर्थ स्ट्रीम है दिस जर्मनी टू रशिया दिस गैस वैस पाइपलाइन तो ये बेनिफिट होगा सबके लिए दिस इज दैर पीस एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन तो ये तो था दिस न्यूज़ बाकी ये टाटा का भी अभी ऐसा कुछ न्यूज़ है कन्फर्मेशन नहीं है लेट्स वेट गवर्नमेंट एवियशन दिस एयर इंडिया को सेल करना चाहती है लेटस सी कुछ ही टाइम पे इसकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी तब हम बात करेंगे दैन दिस इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग द तालिबान फॉर वॉट इट इज़ अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है बेसिक्स हमें पता है इसके बाद जो एम ई ए और गवर्नमेंट पॉलिसी होगी हम उसको फॉलो करेंगे अननेसेसरी इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिवेल नहीं करना है हमें दिस इज़ नॉट स्ट्रीम ये है पीस एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन एजुकेशन इम्पार्ट द स्किल्स एंड वैल्यूज नीडेड टू प्रिवेंट पोटेंशल कॉन्फ्लिक्ट एजुकेशन एजुकेशन बहुत ज़रूरी है क्वालिटी एजुकेशन होना ज़रूरी है और रिस्पॉन्सिबल एजुकेशन होना ज़रूरी है कई बार क्या होता है टीचर्स पेरेंट्स जो अर्ली एज में जो हम एक बार सीख लेते हैं ना वो कहीं ना कहीं देखना लाइफ लॉन्ग आपके साथ वो लर्निंग बनी रहती है सो दैट इज़ वाई एजुकेशन फाउंडेशन ईयर्स जो है ना उसमें अच्छी एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है और एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि चार किताब पढ़ ली चार कॉन्सेप्ट पढ़ ली बस यू आर एजुकेटेड नो एजुकेशन के बहुत सारे डायमेंशनस होते हैं होल एजुकेशन होनी चाहिए तो अभी जैसे गांधी जी की भी लर्निंग्स है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस में बताया दूसरी एक चीज़ आजकल ये देखने में आ रही है कि जो यंगस्टर्स हैं इंटरनेट का एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा प्रोपोगेंडा चलता है नॉनसेंस ज़्यादा है यहाँ पे उससे क्या होता है यंगस्टर्स कई बार ब्रेन वॉश हो जाते हैं अगर आप इन जनरल देखो तो आजकल एग्रेसिवनेस ज़्यादा दिख रही है जजमेंटल ज़्यादा हो रहा है इतना कुछ नॉलेज है नहीं बट ओपिनियन हर जगह देना है दे डोंट इवन नो द बेसिक्स प्लस दे आर गेटिंग वेरी वेरी वॉयेंट विच इज़ अ साइन ऑफ वरी तो नॉन वायलेंस हमें सिखाना ज़रूरी है एक स्टूडेंट जो होता है स्टूडेंट जो होता है उसको राइट right वैल्यूज सिखाना ज़रूरी है कॉज ऑफ वायलेंस क्या हो रहा है तो कहीं ना कहीं एज अ कम्यूनिटी भी हमें उसमें वर्क करना है कोविड नाइन्टीन पैंडमिक के कारण जैसे हम देखें कि डिविजन्स जो हैं फॉल्ट लाइन्स जो हैं वर्ल्ड में वो भी बढ़ती दिखी इंटरनेट पे बहुत सारा ना चीज़ ट्रुथ नहीं होता है जैसे हेट स्पीच होता है अननेसेसरी फियर मॉन्गरिंग होता है आपके इनसिक्योरिटीज़ को दे वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट नो वी हैव टू राइज ओवर दीज पेटी इश्यूज़ अराउंड द वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंशनल सर्ज हुआ इक्वालिटी इससे क्या होता है इनस्टेबिलिटी होती है और फिर सोशल अनरेस्ट होता है और फिर पूरी सोसाइटी बैक में जाने लग जाती है तो द पॉइंट इज़ कि टीचर्स का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट्स के लिए और सोसाइटी का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी प्रिपेयर बेटर स्टूडेंट्स जिनको नॉलेज हो लर्नेट हो ओपिनियनड नहीं हो जिनके पास विल पावर हो कि वो इनजस्टिस के अगेंस्ट स्टैंड भी कर पाए जो अननेसेसरी हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स बन गए हैं सोसाइटी में इ रिमार्क्स जस्ट लाइक दैट पास होते हैं इसको भी स्टॉप करना ज़रूरी है तो द पॉइंट इज़ यंगर जनरेशन पर सब लोग इसलिए होप करते हैं बिकॉज दे आर फ्यूचर दे आर लाइक गीली मिट्टी उसको आप शेप कर सकते हो प्रॉपरली तो हार्ट ऑफ एजुकेशन में पीस नॉन वायलेंस वैल्यू सिस्टम होना ज़रूरी है जैसे सिविल सर्विसज का जो एग्ज़ैम है जी एस फोर का जो पेपर है ना टू थाउजेंड थर्टीन में आया था अभी जो आप प्रेजेंट फॉर्मेट देखते हो ना इसका टू थाउजेंड थर्टीन से स्टार्ट हुआ है जी एस वन टू थ्री फोर और दिस वॉज द टाइम वेन आई रोट एग्जाम टू थाउजेंड थर्टीन तो इसमें जब जी एस फोर आया ना तो क्या बात की जाती थी कि सिविल सर्वेंट जो है ना वो ये नहीं कि उसको बहुत सब आ गया हिस्ट्री जोग्राफी इकोनॉमिक्स वगैरह आ गया तो उसके पास पावर भी आएगी बट अगर वो एक अच्छा ह्यूमन बींग नहीं है तो वो उस पावर का मिसयूज़ करेगा वो इस पावर को मिसयूज़ करेगा और वो कैटेस्ट्राफी होगा पूरे सोसाइटी के लिए तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो ब्राइट हो स्मार्ट हो इंटेलिजेंट भी हो बट इट इज़ ऑ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि उसका जो वैल्यू सिस्टम है वो करेक्ट हो तो इस वैल्यू सिस्टम के लिए ही जी एस फोर का पेपर आया था तो एथिक्स हुआ पीस हुआ ये जो फाउंडेशनल वैल्यूज है ना दे आर नॉट ओनली वर्ड्स एक पर्पज़ है इनका तो देट इज़ वाई लेटर एंड स्पिरिट में अब जो जी एस फोर में पढ़ते हो ना उसको इम्प्लीमेंट भी करो ओके दिस इज़ गेटिंग रेडी ये है नवरात्रि मेटिकुलस वर्क मेटिकुलस का मतलब क्या होता है बताओ मेटिकुलस वर्क रीथिंग क्वारंटाइन नॉर्म्स फॉर ब्रिटिश विजिटर एक्सपोर्टर्स ने कहा किससे ट्रेड रिलेशन इम्पैक्ट हो सकते हैं चाइनीज ट्रांसक्रेशन चल रहा है पेट्रोल डीजल की प्राइस स्काय रॉकेट हो रही है ब्रिटिश एरा का बंगला है ब्रह्मपुत्रा हेरिटेज सेंटर पे मिस्टर श्रृंगला अभी गए कहाँ पे त्रिकोण माली ऑयल टैंक फॉर्म में इंडिया और श्रीलंका रिलेशन रीसेट होने का भी काफ़ी बैक स्टोरी चल रहा है अभी अंडरग्राउंड दिस बैक स्टोरी चल रहा है डिप्लोमेसी में दिस रीसेट टाइज इंडिया एंड श्रीलंका का बिकॉज एक तो चाइना के साथ भी श्रीलंका के टेंशन बढ़ रहे तो लेटस् सी अभी क्या होता है दो तीन दिन में एक कॉन्क्रीट पिक्चर आएगा ऑक्सीजन शॉर्टेज और पैंडोरा पेपर्स एक्सपोज टॉप वर्ल्ड लीडर्स रिकॉर्ड एयर इंट्रूजन है चाइना फॉर सेकेंड स्टेट डे ताइवान पे ताइवान कल हमने देखा था ना कुआ मिनटोंग पार्टी नाइनटीन सिविल वॉर ऑफ चाइना ताइवान को चाइना कंप्लीट कैप्चर करना चाहता है लेटस् सी नॉर्थ कोरिया की अपनी अलग स्टोरी है दिस इज कतर कतर में अभी दिस वोटिंग चल रही है वोटिंग दोहा कतर देन फ्रेंच इन्फ्लेशन का रिस्क है ग्रुप पॉलिसीज़ और दिस इज स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स एंड आईपीएल दिस इज स्पोर्ट्स ये इंडियन एक्सप्रेस है पैंडोरा पेपर्स और दिस इज दिस इज़ अब सी अगर ऐसे बैन लगाते हैं ना तो इससे इकोनॉमिक फॉलआउट होता है वॉट डू वी डू विथ ऑल अवर स्टॉक अब जो ट्रेडर्स हैं दुकान वाले हैं उन्होंने खरीद तो इतना स्टॉक लिया अब उसको बेचने नहीं दिया जा रहा है तो इकोनॉमिक हार्डशिप होगा तो ये जो टॉपिक है ना इसका भी कोई क्लियर कट सोल्यूशन है नहीं फायर क्रैकर्स का बैन कर दें या फायर क्रैकर्स अलाउ करें बैन करें तो इकोनॉमिक कल्चरल ये सारी वैल्यूज़ आ जाती है अगर अलाउ करेंगे तो एनवायरमेंट डैमेज होता है वी नीड टू तो फाइंड अ सोल्यूशन ये भारत दर्शन है दिस इज़ थ्री स्पेसेस अभी साउथ एमसीडी में ये ओपन किए जा रहे हैं नो इंडिया गेनिंग मोमेंटम है नॉन टैक्स रेवेन्यू टारगेट प्रोवाइड एडिशनल फिजिकल स्पेस अच्छी बात है मोमेंटम स्टेइंग द ग्रीन कोर्स ग्रीन कोर्स रहना जरूरी है रेगुलर टॉक्स है एल वगैरह पे एनकरेज करें जापान के प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहे हैं किशी काउंटिंग द किसान एंड दिस इज एक्सप्लेन सेक्शन पेंडोरा पेपर इसको थोड़े दिन बाद बात करेंगे दैन सीक्रेट वेल्थ डीलिंग वगैरह यहाँ पर है नो अनकट्रोल्ड इमिग्रेशन बोरिस ने कहा यू के एडजस्टमेंट नॉर्थ कोरिया थ्रेटन कर रहा है टॉप यू एन बॉडी को स्टॉक रिकमेंडेशन फॉरक्स रिजर्व थोड़ा सा स्लाइड हुआ है ऑयल कंपनीज इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स फील्ड वर्क फॉर सर्वे ऑन जॉब्स इन फॉर्मल सेक्टर का लॉन्च हुआ है चाइना ने टाइटन किया है पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर इंटरनेट जाइंट्स इंटरनेट जाइंट्स सो दिस इज़ द इंडियन एक्सप्रेस अभी अब हम एक आर्टिकल देखते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अक्सर वन लाइनर्स आते हैं हर एग्जाम में चाहे वो एस का हो यू का हो सी हो एनी कि ये एंशंट इंडिया की कुछ किताब है इसके ऑथर का नाम बताइए तो मुद्रा राक्षस लिखी है विशाखा दत्त ने राजतरंगनी लिखा है कलहन ने कथा सरित सागर लिखा है सोमदेव ने कामसूत्र लिखा है वात्स्यायन ने दिस इज प्रश्नोत्तर कर मलिका ये लिखा है अमोघ वर्षा ने वास दत्तम लिखा है भाषा ने बुद्ध चरित्र है अश्वघोष नाट्य शास्त्र है भारत अभिज्ञान शकुंतलम विक्रम वर्षी रघुवंशनम लिखा है कालिदास ने अमर कोश है अमर सिन्हा का पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता लिखा है वराह हीर ने ये याद कैसे होगा पाँच छह बार पढ़ लो याद हो जाएगा सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट है ने लिखा है पंचतंत्र लिखा है विष्णु शर्मा ने नीति सार है कमक कमन दाका ने ए होल प्रशस्ति किसने लिखा था रवि कीर्ति ने इंडिका मेगस्थनीज अर्थशास्त्र कौतल्य चरक संहिता चरक लीलावती भास्कर थ्री हर्ष चरित्र कादंबरी नागनंद रत्नावली वर्धन दिस गणस्पत हस्ति हाला ने लिखा है गथास्पत हस्ति दिस इज हाला नीतिसार अगेन अष्टाध्यायी पणनी महाभाष्य पतंजलि दिस इज नैशदा धा चरित्र श्रीहर्षा मृच कटेगा प्रलम्स का सवाल है सुद्र का गीत गोविंद जयदेव नवरत्न लिखा है वीर सेना डो नॉट गेट इंटीमिटेटेड ये हो जाएगा दो तीन बार पढ़ना और ये जो चीज़ें होती है ना ये लास्ट डे रिवीजन बड़ी ज़रूरी होती है जैसे आप सुबह एग्जाम लिखने जा रहे हो तो जल्दी जल्दी एक बार इसको देख लो तुरंत मेमोरी में रहता है और ये सही हो जाते हैं फिर आंसर ओके डोंट वरी सो इसको भी मैं अभी तुरंत शेयर कर देता हूँ ये पूरे नाम एक बार जस्ट गो थ्रू इट याद आ जाएगा जब एग्जाम में सवाल आता है तो याद आ जाता है ओके डोंट वरी तो डू दिस ये सी सेट है प्रिंसिपल दिया है रेट दिया है दो प्रतिशत पर हाफ ईयर अब टाइम दिया है दो साल दो साल में कितने हाफ ईयर होते हैं चार हाफ ईयर होते हैं छः छः महीने के तो फोर हाफ ईयर हो गए तो नया टाइम हो गया फोर रेट है टू बस पुट इट इन फॉर्मूला यू विल गेट दी आंसर सिंपल इंटरेस्ट निकालिए पी आर टी अपन हंड्रेड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए प्रिंसिपल दिस वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड पावर टी तो यू विल गेट दिस दोनों का डिफरेंस थ्री सम अगर एक्स है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल तो ये हो गया दिस सिंपल इंटरेस्ट हो गया दिस दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है दिस सिक्स थ्री वन तो एक्स इज इक्वल टू दिस एक टैप है फिल कर सकता है टैंक छः घंटे में आफ्टर हाफ द आवर टैंक इज फिल्ड थ्री मोर सिमिलर टैप्स आर ओपन तो छः घंटे में एक टैप उसे फिल कर रहा था जब आधा टैंक भर गया तो वैसे ही तीन और टैंक आ गए तो अब कितना टाइम लगेगा टैंक को कम्प्लीटली फिल करने में ईजी

सो दीज आर थ्री क्वेश्चन फॉर टूडे ये सी सेट सोल्यूशन है ये लिस्ट मैं अभी इमिजिएटली शेयर कर रहा हूँ इसको गो थ्रू जस्ट गो थ्रू इट वंस एक या दो सवाल करेक्ट हो जाएगा आर्ट कल्चर वगैरह का पीस एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन प्रिपेयर दिस क्वेश्चन आंसर राइटिंग रोज करनी है रोज मतलब रोज मेन्यू ऑफ यू आर नॉट राइटिंग एग्जाम दिस ईयर तो देर इज नो एक्सक्यूज नहीं देना है रोज आंसर राइटिंग करना है देन दिस इज अबाउट दिस अर्बन फ्लडिंग एंड अर्बन फेस डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है ओके डिसिप्लिन रोज काम करना है डिसिप्लिन बनिए, ओके वैन यू हेल्प योर सेल्फ द यूनिवर्स विल हेल्प यू इवन मोर डोन्ट फॉगेट सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ